जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो शुरुआत करते हैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर, ये होगा आपका 100 टेस्ट सीरीज का ये टेस्ट नंबर होगा 3। और इसमें से जो हम लोग बात करने वाले हैं वो शॉर्ट प्रैक्टिस के रूप में हम लोग बात करेंगे, जिसमें से कुल आपके 40 सवाल होंगे। और 40 सवाल होंगे, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आपके लिए है। और यहाँ से सवाल आपको हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसीलिए इन टॉपिक्स को आप ध्यान से याद रखेंगे, उसके बाद में यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। आते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल है कि खोटा लोक साहित्य किताबें प्रकाशन बच्चर बतावा। तो बता दें कि कोई भी परीक्षा में पुस्तक से संबंधित आपके उससे परिचय से सवाल जरूर पूछा जाता है, चाहे उसका लेखक हो, भूमिका लेखक हो, लेखक परिचय हो, या अन्य संपादक हो, संकलनकर्ता हो, जो भी है, है ना। चाहे गीतकार की बात करें, सहायक संपादक की बात करें, संपादक की बात करें, मुख्य संपादक की बात करें, प्रकाशन वर्ष हो, प्रकाशक हो, तो इस तरह से सवाल यहाँ पे हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न अगर कोई टॉपिक से पूछा जाता है तो हम बता दें कि हकीकत में पुस्तक परिचय और लेखक परिचय, पुस्तक परिचय और लेखक परिचय, ये दो ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया? पुस्तक परिचय और लेखक परिचय, ये दो ऐसे टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा आपके सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो याद रखेंगे, ये टॉपिक ऐसा होगा जहां से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, और पूछे नहीं जाएंगे, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। सवाल, पहला सवाल है कि खोटा लोक साहित्य किताबें प्रकाशन बच्चर बतावा। तो बता दें कि यह पुस्तक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। पहले तो आपको याद रखना कि लोक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। तो लोक साहित्य कई वर्गों में बटा हुआ है, कई खंडों में बट गया है। इसमें से सबसे पहला आता है लोक कथा, लोक कथा, उसके बाद में आता है आपका लोक गीत, है ना, लोक गीत आता है, फिर उसके बाद में लोक गाथा आता है, उसके बाद में लोक गाथा आता है, और लोक गाथा के बाद में आता है प्रकीर्ण साहित्य, है ना, प्रकीर्ण साहित्य आता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको चार खंडों में बांट करके रखा गया है। हालांकि इसको और भी कई अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में भी देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे आपको दो चीज पढ़ने के लिए दे रखा है, एक तो लोक कथा और दूसरा है लोक गीत। ये दो चीज यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दे रखा है ये पुस्तक से। लोक कथा में आपने 10 लोक कथा पढ़ा होगा, 10 लोक कथा आपने पढ़ा होगा, सात भाई एक बहन, धन एक धधेनी, खूंटा भीतर चिया गोटा, इस प्रकार से 10 लोक कथा आपको पढ़ने के लिए रखा है। बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा, बूढ़िया रोकर नाती, केतकी फूल, छगर गोरखियर केतकी फूल, इस प्रकार से आपको वहां पे 10 लोक कथा पढ़ने के लिए दे रखा था। ठीक उसी प्रकार से लोक कथा, लोक गीत में भी आपको 10 टॉपिक दे रखा है, 10 लोक गीत नहीं है, 10 टॉपिक आपको दे रखा है। जैसे कि संस्कार गीत में 3 टॉपिक है, एक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है वो है छठियारी, दूसरा है सहियारी, और एक है विवाह संस्कार। तो 3 आपको संस्कार गीत में पढ़ना है। फिर आपको पर्व त्योहार में क्या है कि 2 तरह के आपको गीत पढ़ने हैं, एक कर्मा और दूसरा है सोहराय, 2 वहां पे दे रखा है। फिर उसी प्रकार से और भी आगे श्रम गीत है, ऋतु गीत है, बाल गीत है, है ना, इस तरह से कई सारे टॉपिक्स आपको आगे जो वो दे रखा है। तो ऐसे में इन टॉपिक्स को भी आपको ध्यान रखना है, यहां से भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ये सारे टॉपिक्स कहां पे दे रखे हैं, तो ये पुस्तक में दे रखा है जिसका नाम है खोटा लोक साहित्य, और जिसके प्रकाशन जो हुआ है वो हुआ है 2012 में। अगला सवाल है कि खोटा लोक साहित्य प्रकाशक संस्था ला गए। तो खोटा लोक साहित्य जो पुस्तक है इसके प्रकाशक संस्था का नाम क्या है, तो उसका प्रकाशक संस्था का नाम है झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, या तो फिर कह सकते हैं कि कल्याण विभाग झारखंड सरकार, या तो फिर मिल जाए कल्याण विभाग, है ना, कल्याण विभाग, कल्याण विभाग झारखंड सरकार। क्लियर हो गया? तो यहां पे आपसे इस तरह से सवाल जो वो पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको ध्यान रखने, प्रकाशक संस्था के बारे में आपको बता दिए, झारखंड जनजाति कल्याण शोध संस्थान, 2012 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है। पहला, खोटा लोक साहित्य किताबें प्रधान संपादक के लागत। अब प्रधान संपादक आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, 2 तरह से यहाँ पे होता है, एक तो होता है संपादक,
और दूसरा होता है प्रधान संपादक। अब आप समझिए कि एक टीम में 11 खिलाड़ी होता है, मान लेते हैं कि क्रिकेट टीम की ही बात करते हैं क्योंकि क्रिकेट ज्यादा चर्चित है, तो टीम में तो 11 खिलाड़ी होते हैं लेकिन कैप्टन कोई एक ही होता है, है ना। जैसे कि भारतीय टीम में मान लेते हैं कि विराट कोहली या तो और भी जो भी है, पहले धोनी क्या करते थे, कैप्टन। तो वहां पे क्या कि खिलाड़ी तो 11 है लेकिन कैप्टन वहां पे एक है, तो उसको कैप्टन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से संपादक मंडल में कई सदस्य हैं लेकिन उसके प्रधान संपादक एक हैं, वो हैं एके झा। क्लियर हो गया। इसके अलावा संपादक मंडल में एके झा के अलावा चित्रंजन महतो चित्रा, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो, बी एन ओहदार, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खोटी, ये सभी जो वो संपादक मंडल के अन्य सदस्य हैं। लेकिन प्रधान संपादक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डॉक्टर एके झा हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि खोठा लोक साहित्य किताबें दो शब्द लिखवैया कर नाम बतावा। तो खोठा लोक साहित्य जो पुस्तक का दो शब्द लिखने का जो काम किया है वो प्रकाश चंद्र उरांव के द्वारा किया गया है। अब बोलेंगे प्रकाश चंद्र उरांव तो नया नाम लग रहा है, ये कौन है? तो बता दें कि झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के ये निदेशक के रूप में जाने जाते हैं। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक के आभार लिखवैया कौन है, यानी आभार किसके द्वारा लिखा गया है, तो आभार लिखवैया जो है उसका नाम है सोमा सिंह मुंडा। क्या नाम है? सोमा सिंह मुंडा। और जिनको झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची का सहायक निदेशक के रूप में जाना जाता है, सोमा सिंह मुंडा को। जबकि प्रकाश चंद्र उरांव जो वो कौन है, ये निदेशक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोनों आपको नाम याद रखने हैं और दोनों का क्या क्या लिखा है, तो दो शब्द लिखवैया जो लिखा है इन्होंने वो लिखा है प्रकाश चंद्र उरांव ने, और आभार लिखवैया जो है वो सोमा सिंह मुंडा है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खोठा सहित सदानिक व्याकरण किताब के लिखवैया का नाम बतावा। तो इस व्याकरण पुस्तक को लिखने का काम किया है डॉक्टर एके झा ने, इनका पूरा नाम अजीत कुमार झा है, और खोठा का पहला व्याकरण पुस्तक के रूप में जाना जाता है खोठा सहित सदानिक व्याकरण को। अगला सवाल आते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक संकलनकर्ता लागत। तो एक पथिया डोंगल महुआ जो पुस्तक है इसके संकलनकर्ता के रूप में संतोष कुमार महतो, जिनका उपनाम है शांतु, इन्हें जो वो जाना जाता है। तो शांतु इनका उपनाम है और संतोष कुमार महतो के द्वारा इसका संकलन करने का काम किया है। अगले सवाल पे आते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक प्रकाशन बच्छर बतावा। एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे पहला प्रकाशन 1990 में और दूसरा प्रकाशन 2005 में हुआ है। यानी दोनों ऑप्शन में से जो आपसे पूछे, अगर पहला प्रकाशन पूछे तो 1990 और दूसरा प्रकाशन वर्ष पूछे तो 2005, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये हो जाएगा पहला प्रकाशन और ये हो जाएगा दूसरा प्रकाशन। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक प्रकाशक संस्था लागे। अब प्रकाशक संस्था के बारे में भी तू पूछ सकता है सवाल में, बिल्कुल हाँ पूछ सकता है, क्योंकि सवाल देखिए कहीं से भी पूछ लेगा आपसे, जरूरी नहीं कि कोई उसका फिक्स नहीं होता है कि यहीं से सवाल पूछा जाएगा, और हम ये नहीं कहेंगे कि यहां से सवाल पूछ लेगा और यहां से सवाल नहीं पूछेगा, कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो एक पथिया डोंगल महुआ किताब के जो प्रकाशक संस्था है उसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो जो वो इसका प्रकाशक के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताब एक भूमिका के लिखलत। तो बता दे कि भूमिका लेखक के बारे में काफी सवाल पूछा जाता है, हर पुस्तक का भूमिका लेखक आपको जरूर याद होने चाहिए, जितना इंपॉर्टेंट लेखक होता है उतना ही इंपॉर्टेंट उसके भूमिका लेखक की भी होती है। क्योंकि देखिए कोई भी कहानी हो कविता हो या तो कुछ भी हो, जब तक उसकी भूमिका आपको नहीं पता चलेगा तब तक कैसे पता चलेगा कि पुस्तक कैसा है। देखिए कोई भी पुस्तक अगर कहीं पहले पढ़ना चाहता है ना तो उसकी भूमिका को पढ़ता है ताकि उस पुस्तक का एक मोटा मोटी पूरा आपको रूपरेखा पता चल जाता है भूमिका से, इसीलिए भूमिका लेखक जो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं।
तो अगर यहां पे पूछा जाए कि एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक के जो भूमिका लेखक हैं वो कौन है, तो डॉक्टर दयानंद बटोही के द्वारा भूमिका जो को लिखा गया है, डॉक्टर दयानंद बटोही। क्लियर हो गया। और संपादक, तीनों नाम आपको याद रखें, एक तो होगा संपादक, दूसरा पूछा जा सकता है संकलनकर्ता, संकलनकर्ता, और एक चीज पूछा जा सकता है वो जोहड़वैया, जोहड़वैया। ये तीनों काम करने जो किया है वो किसने किया है, संतोष कुमार महतो का। ये तीनों के रूप में जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है, संतोष कुमार महतो को जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, संपादक, संकलनकर्ता या जोहड़वैया, संतोष कुमार महतो है। जबकि है ना, जबकि भूमिका लेखक के रूप में अगर बोला जाए तो दयानंद बटोही के द्वारा भूमिका लिखी गई है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एक पथिया डोंगल महुआ किताबें गोटे कई गो कविता छपल है, तो इसमें से कुल 47 कविता छपा हुआ है। और 47 में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें संतोष कुमार महतो का कितना कविता छपा हुआ है, संतोष कुमार महतो जी के कितने कविताएं इस पुस्तक में छपी हुई है, तो याद रखेंगे इनके 5 कविता जो वो छपा हुआ है इस पुस्तक में, 5 कविता। नाम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नाम हम अभी नहीं बताएंगे, आप जाकर के पुराने वीडियो को देखिएगा, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। या तो एक पथिया डोंगल महुआ का परिचय वाला जो क्लास है आप उसको देख लीजिए, वहां पे 5 कविता का डिस्कस किया है हमने। और जो आपको जो 10 कविता आपको पढ़ने के लिए दे रखा है उसमें से एक जो कविता इनका है वो है रूसल भोला, ये आप एक जरूर याद रखिए, है ना, रूसल भोला एक याद रखिए। अगर वो सब नहीं भी याद रहता है तो कम से कम इसको जरूर याद रखिएगा, रूसल भोला। तो इस कविता को लिखा जो है वो संतोष कुमार महतो ने लिखा है। अगला सवाल है कि सुहान लागे रे कैसन किताब लागे, तो सुहान लागे रे दरअसल एक शिष्ट गीत और पहेली का संग्रह है, इसमें से शिष्ट गीत और पहेलियों का संग्रह है। तो देखिए, इसके पहले हम लोग लोकगीत की बात कर रहे थे, और लोकगीत कहां पे था, खोटा लोक साहित्य किताब में। जबकि शिष्ट गीत अगर पूछ लिया जाए, हो सकता है कि सवाल इस तरह से पूछ लिया जाए कि खोटा के शिष्ट गीत कौन किताबें छपल है, अब वहां पे क्या है कि अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि शिष्ट गीत कौन किताबें छपल है, तो याद रखेंगे ऐसे में नाम याद रखना है कि सुहान लागे रे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि खोटा के लोकगीत कौन किताबें छपल है, खोटा के लोकगीत कौन किताबें छपल है, तो यह छपा हुआ है खोटा लोक साहित्य में। इस पुस्तक का नाम हो जाएगा खोटा लोक साहित्य, खोटा लोक साहित्य। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, यहां से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, मे बी हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए आपसे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि सुहान लागे रे किताबे के संपादक के लागत, सुहान लागे रे पुस्तक के संपादक कौन है, तो इसके अगर बात करें कि सुहान लागे रे पुस्तक के संपादक के रूप में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार दिनमणि। दिनेश दिनमणि जी के द्वारा ही इस पुस्तक का जो वो संपादन किया गया है। इसके अलावा एक और सवाल यहां से आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, मुख्य संकलनकर्ता, क्या पूछा जाएगा, मुख्य संकलनकर्ता, मुख्य संकलनकर्ता। अब ये अगर पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे एक नाम आपको याद रखने हैं, शेखर शरदेन्दु, नाम याद रखना है शेखर शरदेन्दु, है ना, ये नाम आपको याद रखने हैं शेखर शरदेन्दु। इसके द्वारा, इनके द्वारा ही जो वो लिखा गया है या मुख्य संकलनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं सुहान लागे रे पुस्तक के। जबकि एक पथिया डोंगल महुआ के जो हमने आपको बताया था कि वहां पे भूमिका लिखा है दयानंद बटोही ने, दोनों नाम में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका मिक्स हो जाए, तो ऐसे में इन चीजों को आपको ध्यान रखने हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सुहान लागे रे किताब के प्रकाशन बच्छर बतावा, तो पहला प्रकाशन तो इसका 2006 में होता है और दूसरा प्रकाशन इसका 2019 में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुहान लागे रे किताबे प्रकाशक संस्था लागे, तो प्रकाशक संस्था की बात करें तो इसके दो प्रकाशक है, 2006 में जो हुआ है वो है ये धारा प्रकाशन जैना मोड़ बोकारो, और जो 2019 का जो नया प्रकाशन है वो है पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली। तो दोनों में आपको नाम याद रखने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ए और बी दुयो। अगला सवाल है कि छहर किताबे के लेखक का नाम बतावा, तो छहर पुस्तक के लेखक जो है वो है चित्रंजन महतो, चित्रा, और चित्रा इनका उपनाम है,
जिनका जन्म लारी रामगढ़ में हुआ है, ये आपको पता होगा। अगला सवाल है कि छहर किताब एक लेखक परिचय के लिखल है। छहर पुस्तक के लेखक परिचय किसके द्वारा लिखा गया है? तो वासुदेव महतो के द्वारा इसके लेखक परिचय के रूप में जाना जाता है, है ना। हो सकता है कि यहां से भी सवाल आपसे परीक्षा में जो वो पूछ लिया जाए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, एक एक करके यहां से सवाल कोई भी आपसे परीक्षा में जो वो पूछ सकता है। तो वासुदेव महतो के द्वारा लेखक परिचय लिखा गया है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। छहर किताब के मंतव्य लिखवैया के लागत। तो मंतव्य लिखवैया जो है वो है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। मंतव्य लिखवैया कौन है? गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि छहर किताब एक बात लिखवैया के लागत। एक बात लिखवैया, तो इसको लिखने का काम जो किया है वो गोविंद महतो जंगली ने किया है। अब बोलेंगे यहां पे तो थोड़ा मिक्स हो गया सर, एक बार फिर से इसको रिपीट कर दीजिए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेखक कौन है, हाँ ना, अगर लेखक पूछ लिया जाए तो हो जाएगा चित्रंजन महतो चित्रा, चित्रंजन महतो चित्रा। अगर पूछ लिया जाए कि लेखक परिचय किसने लिखा है, लेखक परिचय, तो याद रखें ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वासुदेव महतो, वासुदेव महतो। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मंतव्य लिखवैया कौन है, मंतव्य लिखवैया, मंतव्य लिखवैया कौन है, तो ये हो जाएगा गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। और चौथा है एक बात लिखवैया, चौथा है एक बात लिखवैया, एक बात लिखवैया कौन है? जंगली जी हैं, यानी गोविंद महतो जंगली। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, यहां से सवाल आपके परीक्षा में जो वो पूछे जाएंगे, और चारों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि छहर किताब के प्रकाशन बच्चर बतावा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2007, इसका सही आंसर हो जाएगा। छहर किताबें प्रकाशक संस्था लागे। तो प्रकाशक के बारे में अगर बात करें तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, जो कि कजरा सेंद्रादान के नाम से प्रकाशक को कजरा सेंद्रादान कहा जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। अगला सवाल है कि सोंध माटी कैसन रचना लागे, या कैसन रचना, या तो कह सकते हैं कि कैसन किताब लागे, है ना, यहाँ पे कैसन किताब भी बोल सकते हैं। तो सोंध माटी जो किताब है, हो सकता है कि सोंध माटी के जगह पे नाम आपका अब बदला हुआ मिल जाए और यहाँ पे आपको मिल जाए धौवैयक धमक, धौवैयक धमक। तो याद रखेंगे धौवैयक धमक जो ये सोंध माटी का ये कह सकते हैं कि नया संस्करण किताब है, जिसका नाम जो बदल करके आया धौवैयक धमक के नाम से, और इसको लिखा है विनोद कुमार ने। तो इसमें से बता दें कि इसमें से कहानियों का संग्रह है, इसमें से कविता भी है, और इसमें से निबंध भी है। तो यहां पे तीनों संग्रह किया गया है इस पुस्तक में। पहले जो सोंध माटी था उसमें कहानी और कविता था, 10 कहानी और 31 कविता था पहले, लेकिन बाद वाला जो किताब आता है धौवैयक धमक, जो नया अपडेटेड बुक आता है, इसमें से कहानी को भी कुछ ऐड किया गया, कुछ उसमें से कविता को बढ़ाया गया, और 2 उसमें निबंध भी ऐड किया गया है। और इस प्रकार से पूरा जो हो गया है, कह सकते हैं कि ये तीनों का संग्रह हो गया है इस किताब में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सोंध माटी के लेखक का नाम बतावा। तो विनोद कुमार अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। सोंध माटी के पहल प्रकाशन बच्चर बतावा। तो पहला प्रकाशन इसका कब होता है, 1990 में इसका जो वो पहला प्रकाशन हुआ है। तो दोनों प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जाएगा, खास करके जो ज्यादा पूछा जाता है वो तो पहला प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जाता है, लेकिन क्या पता दूसरा प्रकाशन वर्ष भी आपसे पूछ लिया जाए। तो याद रखेंगे इसका दूसरा प्रकाशन जो हुआ है वो 2017 ईस्वी में हुआ है, और पहला प्रकाशन 1990 में। क्लियर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। सोंध माटी किताब कर प्रकाशक संस्था लागे। प्रकाशक संस्था जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड। अब देखिए 1990 में झारखंड जो वो बिहार का ही भाग था, तो 1990 में इसका प्रकाशन हुआ है पहला प्रकाशन, तो उस समय तो बिहार ही था, झारखंड जो था वो बिहार का ही भाग था, क्योंकि झारखंड तो 2000 में बना हुआ है, 15 नवंबर 2000 ये ईस्वी को झारखंड का निर्माण होता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कि सोंध माटी किताब एक दूसरा प्रकाशन बच्चर बतावा। सोंध माटी पुस्तक का दूसरा प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका दूसरा प्रकाशन कब होगा, 2017 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि खोटा निबंध कैसन किताब लागे। तो खोटा निबंध में बता दें कि निबंधों का संग्रह है, क्या है, निबंधों का संग्रह है इसमें से।
आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। खोटा निबंध किताब एक लेखक का नाम बतावा, तो लेखक कौन है? बीएन ओहदार हैं। बीएन ओहदार के द्वारा इस पुस्तक को जो लिखा गया है, तो अगर पूछ लिया जाए कि खोटा निबंध किताब के लिखवैया के लागत, तो बीएन ओहदार के द्वारा इस रचना को जो लिखा गया है, यानी बीएन ओहदार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। खोटा निबंध किताब एक पहल प्रकाशन बच्छर बतावा, तो पहला प्रकाशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1990 इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलिए दूसरा अगर पूछ लिया तो, दूसरा प्रकाशन हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है 2016 जो इसका दूसरा प्रकाशन वर्ष है। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल भी वही है ना, किताब एक दूसरा प्रकाशन बच्छर, तो 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको 2017 भी दिखेगा, लेकिन याद रखेंगे 2016 जो वो बीएन ओहदार जी के पुस्तक में ही लिखा हुआ है। अब मान लीजिए जो किताब लिखा है वो अपना किताब में तो गलत नहीं लिखेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, और अगर वैसा होगा तो इसको अपडेट किया जाएगा। जब हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में बीएन ओहदार जी का नया बुक आएगा, तो उसमें से हो सकता है कि अगर अपडेट किया हुआ आएगा तो हम अपडेट कर देंगे आपको, क्योंकि देखिए एक्चुअल में जो है वो डाटा को लेकर के कई सारे कन्फ्यूजन है खोटा में, खास करके अन्य भाषा के अपेक्षा अगर बात करें तो खोटा में खास करके डाटा को लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, कुछ पुस्तक में कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम ऐसे रास्ता को अपनाते हैं जो कि कह सकते हैं कि जो उसका ओरिजिनल बुक है। तो ओरिजिनल बुक अगर हम खोटा साहित्यिक निबंध जो आया है उसमें से सीधे लिखा हुआ है 2022, एक नया बुक आया है खोटा निबंध का अपडेटेड बुक, और वो खोटा साहित्यिक निबंध के नाम से आया है, खोटा साहित्यिक निबंध, और उसमें लिखा हुआ है 2022 प्रकाशन वर्ष। उसमें क्या है कि कुछ निबंध को और ऐड किया गया, पहले इसमें निबंधों की संख्या 12 थी, लेकिन अब इसमें से और निबंध को ऐड किया गया है और एक नया नाम दे दिया गया, खोटा साहित्यिक निबंध। और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष दे रखा है वो 2022 दे रखा है पहला प्रकाशन। क्लियर हो गया? तो हो सकता है कि डाटा को लेकर के सवाल अब किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे ये तो कह पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी इन चीजों को हम जल्दी आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे जैसे कोई भी चीज अगर हमको लगेगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू रहा है और स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, तो वो टॉपिक को हम खुद आपको अपडेट कर देंगे बीच बीच में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि खोटा निबंध किताब एक प्रकाशक संस्था लागे, तो खोटा निबंध पुस्तक का जो प्रकाशक संस्था है वो है जनजातीय भाषा अकादमी रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चाबी काठी कैसन किताब लागे, तो यह एक नाटक है। क्या है? यह एक नाटक है। चाबी काठी नाटक एक लेखक का नाम बतावा, तो इसके लेखक कौन है? तो बता दे कि इसको जो लिखने का काम किया है वो किसने किया है? श्रीनिवास पानुरी ने। श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है इस नाटक को, और इसकी रचना मानी जाती है कि यह एक एकांकी नाटक है, जो माना जाता है कि लगभग 1980 से पहले इस नाटक को लिख लिया गया था, 1960 से 80 के बीच में, लेकिन अब ये एग्जैक्ट डेट याद नहीं है ना ही एग्जैक्ट डेट यहाँ पे मेंशन है, लेकिन माना जाता है कि 1980 से पहले इसकी रचना जो वो हो गई थी, लेकिन इसका प्रकाशन जो वो काफ़ी बाद में होता है। क्लियर हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं पानुरी जी के पास में कई सारे अभाव थे उस समय, उतने वो आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि मजबूत नहीं थे आर्थिक रूप से, जो कि वो अपना ये सारा जो वो प्रकाशन करवा पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। चाबी काठी नाटक एक भूमिका के लिखल है, चाबी काठी नाटक की भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे भूमिका भी आपको याद रखने हैं। इसकी भूमिका जो लिखा गया, इस नाटक की भूमिका जो लिखा है वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी ने भूमिका लिखा है। तो इसकी भूमिका लिखने का जो काम किया वो किसने किया है? गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी ने किया है। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटक एक दो शब्द लिखवैया कर नाम बतावा, दो शब्द यानी दो शब्द उस पुस्तक के बारे में, दो शब्द यानी दो शब्द नहीं, एग्जैक्ट दो शब्द नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ कुछ उस पुस्तक के बारे में बोलते हैं। कई बार आप देखते हैं कि मंच में बुलाते हैं कि आइए थोड़ा दो शब्द रखिए, तो ऐसा नहीं कि केवल दो शब्द जाकर के बोल करके आ गए नीचे, तो वैसा नहीं है। दो शब्द कहने का अर्थ है कि उस पुस्तक के बारे में कुछ कुछ बातें जो वो लिखे हैं। किनके द्वारा यह बात लिखा गया है? तो याद रखेंगे श्रीनिवास पानुरी जी के पुत्र हैं अर्जुन पानुरी, उन्हीं के द्वारा दो शब्द जो वो लिखवैया के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटक के संपादक के नाम बतावा। अब या तो भूमिका लेखक पूछे या तो संपादक पूछे, या तो संपादक पूछे या तो फिर भूमिका लेखक पूछे। अगर दोनों में से पूछ लिया जाए तो दोनों का उत्तर जो वो सेम होगा, और दोनों का उत्तर जो वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी होंगे।
तो चाबी काठी नाटक के संपादक और भूमिका लेखक जो हैं वो कौन है? गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है। अगले सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। चाबी काठी नाटक के प्रकाशन वर्ष बतावा, प्रकाशन वर्ष। तो याद रखेंगे चाबी काठी नाटक का जो प्रकाशन लिखा प्रकाशन किया गया है वो कब किया गया, तो 2006 ईस्वी का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि चाबी काठी किताब के प्रकाशक संस्था लागे, चाबी काठी किताब के प्रकाशक संस्था के लागे, तो इसके प्रकाशक संस्था है बाली डी खोठा कमेटी बोकारो, बाली डी खोठा कमेटी बोकारो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाबी काठी नाटक के लेखक परिचय के लिखल हत, लेखक परिचय अगर पूछ लिया जाए कि लेखक परिचय किसने लिखा है, तो लेखक परिचय जो लिखने का काम किया है वो विनोद रवानी ने किया है। किसने किया है? विनोद रवानी ने। जबकि अगर बात करें कि उद्गार लिखवैया या आर्थिक मदद जो किया है वो रामलीला रवानी ने किया है। उद्गार लिखवैया हो जाएगा रामलीला रवानी, है ना, उद्गार लिखवैया रामलीला रवानी, जो कि आर्थिक सहयोग भी करते हैं। हालांकि ये सब आपको ध्यान रखने हैं। पानुरी जी कौन है? तो इस नाटक के लेखक हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, लेखक हैं। जबकि गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी भूमिका लेखक हैं, भूमिका लेखक है और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर हो गया? जबकि विनोद रवानी लेखक परिचय, है ना, लेखक परिचय, इन्होंने जो वो लेखक परिचय लिखा है। क्लियर हो गया? और कौन क्या लिखे हैं? तो भूमिका लेखक तो बता ही दिए, दो शब्द लिख भैया अर्जुन पानुरी हैं। तो इतने सारे चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। चाबी काठी नाटक में कई गो दृश्य है? चाबी काठी नाटक में कुल 20 दृश्य है। कितना दृश्य है? 20 दृश्य है। चलिए अगले सवाल का आंसर करिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख दीजिएगा कि चाबी काठी नाटक में कई गो अंक है, है ना, किस रूप में या किस रूप में छपा हुआ है या कैसा नाटक है? एकांकी नाटक है, बहुअंकी नाटक हो जाएगा, है ना, यहाँ पे बहुअंकी हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा, या दोनों होगा या तो फिर कौन होना है। तो इसका सही आंसर या तो फिर आप लिख सकते हैं कि इस नाटक में एक अंक है, दो अंक है, तीन अंक है या फिर चार अंक है। आप कमेंट बॉक्स में इस तरह से भी हमें जो वो बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ में जुड़े रहें, कल आपको जो वो फुल प्रैक्टिस सेट, आपको अगला प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और जब तक आपका एप्लीकेशन, कह सकते हैं कि आपके लिए एप्लीकेशन अपडेट नहीं होता है, तब तक तो आपको इसी तरह से मिलता रहेगा। लेकिन जैसे एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा हम सारा चीज वहां पे अपडेट कर देंगे और आपको ऐड भी कर लेंगे। और उम्मीद है कि 5 अगस्त तक आपको, 5 से 10 अगस्त के बीच में कभी भी आपको ऐड कर लिया जाएगा, है ना। तब तक आप इसी तरह से मॉक टेस्ट हमारे साथ में लगाते रहें और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे वीडियो लेक्चर खास करके आपको बेनिफिट हो रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।